नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल शो। आज हम बात करेंगे बाघों, हाथियों और लोगों पर मानव पशु संघर्ष की। एस सेंथिल कुमार द्वारा उठाए गए मानव पशु संघर्ष पर एक सवाल की। इस सवाल के जवाब में वन विभाग ने एक डेटा पेश किया। ये डेटा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में पेश किया। इस डेटा के आने के बाद अहम जानकारी सामने आई। 2018 से लेकर 2021 के बीच देश भर में 222 हाथियों की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है और 45 हाथियों की मौत ट्रेनों से कटकर हुई है। 29 की शिकारियों द्वारा और 11 को जहर देकर मार दिया गया। वहीं 2019 से 21 के बीच 29 बाघों की मौत अवैध शिकार से हुई, जबकि 197 बाघों की मौत अभी भी जांच के दायरे में है। बता दें कि जानवरों के साथ इस संघर्ष में लोगों की मौतें भी कम नहीं हुई हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 3 सालों में 1579 लोगों को हाथियों ने मारा है। बात करें 2019 से 20 के बीच की, तो हाथियों की वजह से कुल 585 मौतें हुई। साल 2020 से 21 के बीच 461 और 2021 से 22 के बीच 533 मौतें हुई। हालांकि सबसे ज्यादा मौतें 322 उड़ीसा में हुई, जबकि इसके बाद झारखंड में 291, पश्चिम बंगाल में 240, असम में 229, छत्तीसगढ़ में 183 और तमिलनाडु में 152 मौतें हुई हैं। अब हम बात करेंगे बाघों की। बाघों ने 2019 और 21 के बीच से 125 लोगों को मार डाला था। बता दें कि महाराष्ट्र में 61 लोगों की मौत हुई थी बाघों की वजह से। अब तक हमने बात की थी हाथियों और बाघों की वजह से हुई लोगों की मौतों की, लेकिन अब हम बात करेंगे जानवरों की मौत के पीछे के कारणों की। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने जो डेटा पेश किया, उसके अनुसार बिजली के करंट लगने से ओडिशा में कुल 41 हाथियों की मौत हुई, तमिलनाडु में 34 और असम में 33 मौतें हुई। बता दें कि ओडिशा में ट्रेनों से कटने से 12 हाथियों की मौत हुई, पश्चिम बंगाल में 11 और असम में 9 हाथियों की मौत हुई। अब बात करेंगे अवैध शिकार से हाथियों की कितनी मौतें हुई। मेघालय में 29 में से 12 हाथी अवैध शिकार से मारे गए, जबकि जहर से होने वाली मौतें असम में सबसे ज्यादा हुई। डेटा के अनुसार 2018 से 19 के बीच 11 में से 9 मौतें केवल जहर देने से हुई। वहीं 2019 से 21 के बीच में 29 बाघों की मौत अवैध शिकार से हुई, जबकि 197 बाघों की मौत जांच के दायरे में है। इस पर मंत्री ने अपने जवाब में कहा, वन में रहने वाले जानवरों की देखभाल और बचाव के लिए किए गए प्रयासों से देश के कई वन जीवों प्रजातियों जैसे बाघ, हाथी, एशियाई शेर, गैंडा आदि की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। मानव वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्षों को देखने से ये सामने आया है कि मानव वन्य जीव संघर्षों की खास वजहों में से रहने की जगहों का नुकसान, जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि, बदलते फसल पैटर्न जो जंगली जानवरों को खेती की ओर आकर्षित करते हैं, वन क्षेत्र से जंगली जानवरों के भोजन के लिए इंसानी इलाकों में आवाजाही शामिल है, और चारा वन उपज को अवैध तौर पर इकट्ठा करने के लिए मनुष्यों की वनों की ओर आवाजाही, हमलावर विदेशी प्रजातियों के विकास के कारण रहने की जगह में कमी आदि शामिल है। आज की इस पेशकश में हमारे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ।